आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम धुली मूंग की दाल की कढ़ी बनाने जा रहे हैं। आइए इसमें क्या क्या सामान यूज होता है वो हम आपको बताते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। कढ़ी बनाने के लिए हमने एक कटोरी धुली मूंग की दाल और डेढ़ कटोरी दही, एक चौथाई चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच मेथी, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, तीन चौथाई चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और पकौड़ियाँ बनाने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले हम 4 से 5 घंटे के लिए दाल को भिगोकर इसका पेस्ट बना लेते हैं। हमने अपनी दाल का पेस्ट बना लिया है। हमने एक खाली बाउल ले लिया है, उसके अंदर हम ये अपनी दही पलट देते हैं। इसके अंदर हम दाल का आधा पेस्ट डाल देते हैं। इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे नमक। नमक हमने आधा ही डाला है क्योंकि आधा हमें पकौड़ियों में यूज करना है। हल्दी, मिर्च और गरम मसाला। अब इन सबको हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। इसे आराम आराम से अच्छे से फेंट लें, जिससे इसके अंदर गांठ ना रहे, फेंटने में कंजूसी ना करें। ये हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके अंदर मैं आधा गिलास पानी मिला रहे हैं। हमने तेज गैस पर पैन रख दिया है, इसके अंदर हम 2 चमचे तेल डाल देते हैं। तेल गरम होने में करीबन हमें 1 मिनट लगेगा। तेल गरम हो चुका है, इसके अंदर हम सबसे पहले जीरा डालते हैं, ऐसा मंदी करेंगे और अब हम इसके अंदर मेथी डाल देते हैं। इनके भुनने के बाद जो हमने दाल का और दही का पेस्ट बनाया है वो डाल देते हैं। और ये जो हमारा पानी बचा हुआ है ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। पानी हमें कम लग रहा है तो हम आधा गिलास पानी और डाल रहे हैं और इनको अच्छे से मिला के तेज गैस कर देते हैं। उबाल आने तक हम इनको चलाते रहेंगे, जिससे हमारी कढ़ी नीचे लगे ना या ऊपर निकले ना, और फिर हम गैस मंदी करेंगे। देखिए कढ़ी का रंग आना शुरू हो गया है। हमारी कढ़ी में उबाल आ गया है, लेकिन अभी इसको हम 5 मिनट तक मंदी गैस कर देते हैं और उबालेंगे। जब तक हमारी कढ़ी पक रही है, जो हमारी बची हुई दाल है उसमें हम नमक डालकर इसको फेंट लेते हैं। ये दाल हमें पकौड़ी बनाने में यूज करनी है। हमने दाल को अच्छी तरह से फेंट लिया है और तेज गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दिया। अब हम कढ़ाई के अंदर तेल डाल देते हैं। तेल गर्म होने में करीबन 2 मिनट लगेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम पकौड़ियाँ बना लेते हैं। आप हाथ से डालना हाथ से डाल लेना, आप चम्मच से डालना चाहें तो चम्मच से बना लेना। पकौड़ियों को हल्का ही सेकना है। हमारी पकौड़ियाँ सिक चुकी हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। हमारी कढ़ी पक चुकी है, अब इसके अंदर हम पकौड़ियाँ ऐड कर देते हैं और गैस बंद कर देते हैं। कढ़ी हमारी पूरी तरह से तैयार है, इसको हम बाउल में पलट लेते हैं। अब हम अपनी कढ़ी में तड़का लगाते हैं। इसके अंदर हम 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम ये 2 मिर्चें डालकर भून लेते हैं। मिर्च भून गई है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम कुटी मिर्चें डालेंगे। अब ये लाल मिर्च भी हम इसके अंदर डाल देते हैं।
और इस तड़के को हम इसके ऊपर डाल देते हैं आराम से। हमारी दाल की कढ़ी खाने के लिए तैयार है। खाना भी, खिलाना नहीं भी, मुझे कमेंट में बताना भी। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।